तो दोस्तों रिफ्रेश भी हो गई, SR एडिटिंग भी क्लोज हो गया। अगर आप अभी तक अमित सिंह की ID में ऐड नहीं हुए हो तो मैं एक टिप्स लेके आया हूँ, सिर्फ एक टिप्स। अगर आप वीडियो को एंड तक भी देखते हो तो आप आसानी से अमित सिंह के ID में ऐड हो जाओगे। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन मेहनत आपको करना है, मैं सिर्फ टिप्स दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। SR में ऐड होने के लिए सबसे पहली और ख़ास बात है उनका कोड लगा के रखना, जो कि FBStore YouTube चैनल पे बताया जाता है। अगर ऑलरेडी कोड लगा के रखे हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाए हो तो ज़रूर लगा लेना, उसके बाद ही आप सपोर्ट पे आना। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जब SR अपने खुद के बायो में लिखते हैं कि जश्नल लाइकर्स को वॉचिंग हो रही है या फिर ऐड किया जा रहा था, यहाँ पर अधिकतर लोगों को देखा हूँ मैं कि वह ओल्ड पोस्ट तक लाइक करते हैं, यानी फिर 2 से 3 मिनट तक लाइक करते हैं या फिर ओल्ड पोस्ट तक। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी ऐड नहीं हो सकते हो, क्योंकि उस तरह से वॉचिंग नहीं होती है। वो जब लिखे हैं कि जस्ट नाउ वॉचिंग हो रही है, जस्ट नाउ लाइकर से हो रही है, तो आप लोग ओल्ड लाइक तक क्यों जाते हो? ओनली जस्ट नाउ पे फोकस करो ना यार, जैसा लिखा हो बायो में वैसा सपोर्ट करें, जस्ट नाउ पे फोकस करें। एक बात ध्यान देना, 500 प्लस पोस्ट वाले को लाइक मत करना, क्योंकि वह मेंशन पोस्ट होती है। 500 प्लस जिस पिक पे होगा या फिर पोस्ट पे होगा, वो पोस्ट को आपको लाइक नहीं करना, क्योंकि वो मेंशन पिक होती है। न्यू पोस्ट देखें 500 से कम लाइक वाला या 500 से नीचे लाइक वाला, सबको लाइक करना है, यानी ओनली जस्ट नो पे फोकस करना है, और 500 से जो नीचे लाइक होगा उसके ऊपर लाइक करना है, जो न्यू पोस्ट होगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ओनली जस्ट नो पे रहना है आप लोग को। एक दिमाग लगाने वाली बात है, अगर आप जस्ट नाउ में ही अपना ओल्ड लाइक ढूंढ लेते हो तो 1 से 2 दिन में आप ऐड हो जाओगे, प्लस बेस सपोर्टर में आपका नाम भी आ जाएगा। लेकिन ये हार्ड है, बहुत से लोग से नहीं हो पाएगा। अगर ये मेहनत करना चाहते हो तो कर लो, 100% है कि 2 से 3 दिन में आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी, प्लस बेस सपोर्टर में आपका नाम भी आ जाएगा। एक बार बेस सपोर्टर में नाम आने से 2 से 3 हज़ार इजीली एक आपका फॉलोवर इंक्रीज होता है। लेकिन हाँ, इसमें 2 से 3 बंदों का हेल्प लेना होगा। मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसमें ये सब टोटली ट्रिक काफ़ी अच्छे से डीपली से एक्सप्लेन करा हूँ, ज़रूर चेकआउट करना। इस माना कि आप ही सिर्फ हो, आपके पास कोई बंदे नहीं हैं, आप सिंगल सपोर्टर हो, तो आपके पहले फेक ID बना लेना है, कम से कम 10 ID होना चाहिए। ध्यान रहे, आपके फेक ID के नाम के अंत में सेम ही नाम रहना चाहिए। जैसे मेरा नाम प्रेम प्रकाश वर्मा है, तो मेरा फेक ID का नाम प्रेम प्रकाश वर्मा SR के नाम से होगा, मेरा 10 ID यही सेम नाम से होगा। जैसे प्रेम प्रकाश वर्मा SR, सेकंड प्रेम प्रकाश वर्मा SR, थर्ड प्रेम प्रकाश वर्मा SR, इसी तरह से मेरा 10 ID जो होगा वो प्रेम प्रकाश वर्मा SR से होगा। यहाँ पर आप SR के जगह पे और भी कुछ नेम रख सकते हैं, ध्यान रहे आप सिंगल फॉन्ट में नाम रखना, स्टाइलिश फॉन्ट में नहीं। नेक्स्ट, 10 ID बन जाने के बाद 10 ID के DP में अपने FB ID का SS लगाना, यानी स्क्रीनशॉट, जिसके आप सपोर्ट करोगे तो आप SR की नज़र में आओगे और वो आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। अब आपको सपोर्ट करना चालू करना है, सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। 12 से एक रेस्ट होती है, इसमें आप रेस्ट या लंच कर सकते हो, लेकिन 9 से 4 सपोर्ट करना स्टार्ट करना है तो बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाना है, कंटिन्यू लगे रहना है। 12 से 1 आप रेस्ट कर सकते हो। अमित सिंह को सपोर्ट करने के लिए ना अमित सिंह के ओरिजिनल ID की पहचान होनी चाहिए, तो उसके लिए FBStore YouTube चैनल ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लास्ट वाले सेक्शन में चले जाना है, अबाउट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अमित सिंह का एक ID शो हो रहा होगा इस टाइप का, यहाँ पे अमित सिंह के ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे अमित सिंह का ID ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको इसके ऊपर टैप करना है, यहाँ पे जो लिखा है इसके ऊपर, ये लिंक होती है उसके ऊपर आपको टैप करके, एंड यहाँ पे एक कॉपी वाला बटन आता है ये वाला, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है, जिससे लिंक जो होगा वो कॉपी हो जाएगा। सिंपल इसको मिनिमाइज़ कर लेना है, और जो सपोर्ट अकाउंट आप लोग 10 गो बनाए थे उसी को ओपन करना है, और उसी में आपको सर्च बार में चले जाना है आपको, और सिंपल यहाँ से आपको लिंक को पेस्ट कर देना है। लिंक को पेस्ट करोगे जैसे अमित सिंह की ID ओपन होगी इस वाले पे, एंड इसी पे आपको सपोर्ट करना है, और जो 10 ID है वो टोटल ID को आप ऐसे लिंक के थ्रू ओपन करना है, 100% रियल ID ओपन होगी और उसी से आपको सपोर्ट करना है। देखो सपोर्ट करने के लिए ना आप तो अमित सिंह की ID में आ गए, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश किए ना जैसे आपको जस्ट नाउ पे फोकस करना है, ध्यान रहे वन, देखो इसमें एक को लाइक नहीं, एक लाइक कर दिए ना हम, तो
तो एकदम जस्ट नाउ पे आपको ध्यान रखना है और जस्ट नाउ पे आपका फोकस करके एकदम लाइक करते जाना है। इसी तरह से आप 10 आईडी या 100 आईडी का यूज कर लेना 9 से 4 बजे के बीच में, आप पे सपोर्ट करते जाना है। और जो ध्यान है 500 से ज़्यादा लाइक होगा ना उसको लाइक नहीं करना, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 200 लाइक है इसको मैंने कर दिया, एक क्या है इसको छोड़ दिया, इसका भी एक क्या है। यहाँ पे जस्ट नाउ पे फोकस करना और जो न्यू पोस्ट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग। ये सब मेंशन पिक है यार, यहाँ पे लोग देख रहे हो वहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एक बार देख बता रहे हैं, जैसे ही एक मिनट हो ना यहाँ पे जस्ट नो एक मिनट हुआ अभी हुआ है, तो जैसे ही एक मिनट हुआ ना आपको एकदम फटाक से स्क्रॉल करना है एकदम फास्ट। देखो स्क्रॉल करने के बाद एक बार रिफ्रेश करना है, फिर से आपको जस्ट नो पे फोकस करना है। यहाँ पे जितने भी जस्ट नो पे पोस्ट आएगी ना सबको आपको लाइक करना है, जितने जस्ट नो है ना सब पे। और 15 मिनट होगी ना उसके बाद आपको आईडी चेंज कर लेना है, जैसे 15 मिनट हुई बैक चले गए और बैक चले गए और जितनी भी मेरे 10 आईडी हो सबको यहाँ से लॉगिन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने भी और आईडी बना के रखी हो सबको लॉगिन कर लिए, यहाँ पे लॉगिन करके बताता हूँ आपको। इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो इसमें मैंने अमित सिंह का आईडी सर्च करके रखा था, अमित सिंह का आईडी ओपन कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी ना मैंने जस्ट नाउ पे फोकस करना है और देखना जब भी आप लाइक करना तो एक बात को ध्यान देना कि आप लाइक करो ना तो यहाँ पे यू लिखा होना चाहिए। देखो आप जिस भी लैंग्वेज में फेसबुक यूज करते हो वह यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप यहाँ पे लाइक किए हो, अगर यू नहीं लिख रहा है तो समझो कि आपका लाइक ब्लॉक हुआ है, आईडी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना और जो न्यू पोस्ट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना और फास्ट लाइक करना, जितना फास्ट लाइक करोगे उतना फ़ायदा में रहोगे। और मैंने वो जो पिछले वीडियो के बारे में बताया था उसमें आप देखना, जैसे बंदों का हेल्प लेके एक ही आईडी से आपको सपोर्ट करना होगा, तो उस ट्रिक को ज़रूर वॉच करना। देखो यहाँ पर भी एक मिनट शो हो गया ना, तो फटाक से आपको ऊपर जाना है और फिर से आपको रिफ्रेश कर लेना है। 15 मिनट में आईडी चेंज कर लेना है, नहीं तो अगर आईडी चेंज नहीं करोगे तो आईडी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद आप लॉगिन कर लेना, फिर से सपोर्ट करना। हाँ लेकिन एक बात को ध्यान देना कि आप जब लाइक कर रहे हो तो यहाँ पे यू लिखा होना चाहिए, यहाँ पे यू लिख रहा है तो समझो कि आप लाइक कर रहे हो, आपका लाइक फंस जा रहा है। और जब भी अमित सिंह आपका लाइक चेक करेगा तो आपको उसका लाइक जो है, आपका लाइक जो है वो आपको 100% एसआर को नज़र में आएगी। अगर इस तरह से सपोर्ट करते हो ना तो 1 वीक के अंदर, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 दिन के अंदर आप ऐड हो जाओगे, प्लस में बेस्ट सपोर्टर में नाम भी आ जाएगा। लेकिन हाँ आप जब भी सपोर्ट करना और 9 से 4 के बीच में करना। और यहाँ पे जैसे एक मिनट हो गया तो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैं, यहाँ पर भी देख सकते हो पोस्ट की वाचिंग ऑन 9 to 4 PM जस्ट नाउ लाइक कर। तो जस्ट नाउ पे आपको सिर्फ फोकस करना है, ओल्ड लाइक तक मत जाना यार, जस्ट नाउ पे फोकस करना आप लोग। तो इस तरह से आप लोग को सपोर्ट करना है। जैसे ही आईडी ब्लॉक हो या फिर आईडी लॉक हो आईडी चेंज कर लेना है और आईडी से आपको सपोर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओरिजिनल आईडी के ऊपर आज चले आता हूँ, फिर से सर्च बार में जाता हूँ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट करना है। जैसे बताया हूँ फेक आईडी से सपोर्ट करना, जल्दी नज़र में आ जाओगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग को सपोर्ट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और जो इस ट्रिक को नहीं जानते उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस करना। मिलता हूँ आप किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।